myself Neha. Welcome to my YouTube channel Saraswati Commerce Academy. आज हम करने जा रहे हैं अकाउंट्स का गुडविल का नेक्स्ट पार्ट. गुडविल का कल हमने मेथड सारे कंप्लीट कर लिए थे और आज हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर. इसका मतलब क्या है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल की किस तरीके से होती है जब जो हमारे बिजनेस के अंदर पार्टनर जो है, पार्टनर यानी जो बिजनेस के अंदर जितने भी पर्सन काम कर रहे हैं वो होते हैं पार्टनर. जो काम कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, अगर वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर दें तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल की किस तरीके से होती है. सभी की प्रॉफिट अलग अलग होते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग होती है. कई फॉर्म्स ऐसे होते हैं कि जिसके पार्टनर्स इक्वली अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. कई फॉर्म ऐसी होती है कि जिसमें ज्यादा प्रॉफिट एक पार्टनर शेयर कर लेता है, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम या चौथा उससे ज्यादा, ऐसा कुछ होता है हमारी बिजनेस फॉर्म में. जैसे कि कोई पार्टनर है, एक पार्टनर मान लो एक्स है, वो 3:3 यानी कि 3/5 और जो हमारा वाई पार्टनर है वो 2/5 की रेशो में क्या कर रहा है, अपना प्रॉफिट क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है. अगर वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मान लो चेंज कर रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट वो करना चाह रहे हैं, तो ऐसे तो है नहीं है कि जो दूसरा पार्टनर है वो कह देगा हाँ भाई अगर तेरे को ज्यादा मेरे से प्रॉफिट लेना है तो ऐसे ही ले ले. ऐसे फ्री में तो कोई किसी को कुछ देता नहीं है. तो इसमें क्या होता है कि जितने भी पार्टनर होते हैं, अगर कोई उनमें से एक पार्टनर ज्यादा प्रॉफिट शेयर करना चाहता है या दूसरा पार्टनर ऐसा है कि जो कम प्रॉफिट लेना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो गुडविल होती है हमारे बिजनेस के अंदर, जो गुडविल है हमारे बिजनेस के अंदर, वो वाली जितनी उसके हिस्से में वो गुडविल आती है, उसको अपने हिस्से में से कुछ पार्ट गुडविल का एज अ कंपनसेशन उस पार्टनर को देना होगा कि जिसने अपने पार्टिसिपेशन में से यानी कि जितना वो प्रॉफिट पहले अर्न कर रहा था उसमें से वो उसको क्या देगा, अपना प्रॉफिट का शेयर देगा. जो पार्टनर एक पार्टनर होते हैं बिजनेस के अंदर, जो पार्टनर अपनी क्या करेगा, एक पार्टनर तो क्या करेगा, अपने प्रॉफिट में से अपना पार्ट किसी और को दे देगा. यानी कि वो क्या करेगा, अपना सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा. जो अपना प्रॉफिट का पार्ट किसी दूसरे पार्टनर को देगा वो कौन सा पार्टनर होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा. यानी कि वो अपने प्रॉफिट का कुछ भाग पार्ट जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है. दूसरा पार्टनर वो होता है गेनिंग पार्टनर. गेनिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है कि जो उसका, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कुछ पार्ट अपने पास ले रहा है. अब ये तो है नहीं है कि जो ये सेक्रीफाइस पार्टनर जो है वो फ्री में इसको दे देगा हाँ भाई ये तू ले ले मेरा ये जो भी प्रॉफिट शेयर है बिटू ले ले, ऐसा नहीं होता. वो इसको गेनिंग पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट यानी कि जो बिजनेस की गुडविल होती है, जितने इसके पार्ट में गुडविल आती है, जितना पार्ट वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा एज अ कंपनसेशन. कंपनसेशन उसको देना पड़ेगा किसका, जो उसके पार्ट की गुडविल आती है. अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से वो कंपनसेट करता है. एग्जांपल देखिए क्या एग्जांपल है, बुक में से हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो एक्स एंड वाई पार्टनर है हमारे बिजनेस के अंदर, वो पहले 4:1 में यानी कि 4/5 कैसे आया, 4+1 4/5 और 1:5 में क्या कर रहे हैं, पहले अपना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और आगे इन फ्यूचर में, या फिर बिल्कुल एक इजी सा एग्जांपल ले लेते हैं एक्स एंड वाई का ही. पहले तो मान लो एक्स एंड वाई जो है पहले वो 3:2 में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, यानी कि एक्स कितना पार्ट ले रहा है इसका 3/5 और वाई कितना पार्ट ले रहा है प्रॉफिट का 2/5, ये पार्ट ले रहे हैं. लेकिन अब वो आगे क्या कह रहे हैं कि एक जनवरी से क्या करेंगे, वो अपना जो प्रॉफिट है वो
ना तो कोई 3:5 में बांटेगा ना 2:5 में बांटेगा, वो ये कह रहे हैं कि हम तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इक्वली का मतलब ये भी 1:1 में बांटेगा, ये भी 1:1 में बांटेगा। अब इसका कोई चक्कर ही नहीं है कि हाँ भाई क्या है ये, इतना भाई 3:2 में कोई कुछ है ही नहीं इसका लफंगा। तो अब ये क्या है, 1:1 में ये अपनी जो है आगे का प्रॉफिट जो है, जो जितना भी आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये तो होगी हमारी ओल्ड रेशो, इसमें क्या है जो पहले थी उनकी 1 जनवरी से पहले 3:2 है, और जो न्यू रेशो है इनकी वो क्या हो गई, वो 1:1 हो गई। ये न्यू है, ये ओल्ड है। तो इसमें हम निकालते हैं कि कौन सा पार्टनर, हमें क्या पता, ऐसे देखने से पता ही नहीं चल रहा कि किस पार्टनर ने प्रॉफिट अर्न किया है, किसने ज्यादा अर्न किया है। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इसमें हमें देखना पड़ता है कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। इसको हम एक फॉर्मूले के थ्रू समझेंगे कि क्या इसका एक फॉर्मूला है। सेक्रीफाइस और गेन निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो इसकी क्या है, अगर हम एक्स की निकालने लगे, अगर हम x की ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके निकालें तो क्या आएगा, 3/5 माइनस 1 प्लस 1 2 1/2। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे यहां पे 10 आएगा, वन बाय टेन। अब सेक्रीफाइस किया है या इसने गेन किया है ये हम कैसे निकालेंगे, हमें क्या पता चलेगा कि ये सेक्रीफाइस आया है या गेन आया है। अगर ये पॉजिटिव में आंसर आता है, 6-5 ये पॉजिटिव 1 है, अगर ये पॉजिटिव में आया तो यानी कि इसने क्या किया, सेक्रीफाइस किया है। अगर ये इसका आंसर यहाँ पे प्लस की बजाय नेगेटिव आ जाता तो उसने क्या किया होता, गेन किया होता। अगर ओल्ड माइनस न्यू करने से पॉजिटिव आंसर आता है तो उसका मतलब है कि उस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। अगर नेगेटिव में आंसर आता है तो उसका मतलब है उसने गेन किया है। ये तो था एक्स का कि 1/10 इसने किया है। आगे वाई का देखिए, वाई की क्या है, ये एक्स की है और ये वाई की है, 2/5 माइनस, इसकी भी न्यू की तो सेम ही है, 1/2। फोर में से अगर हम 5 को लेस करेंगे तो 5 का जो साइन है वो बड़ा है, तो इसलिए इसका साइन आएगा नेगेटिव, तो 1/10। अब इसका आंसर आया है नेगेटिव में, जितना भी नेगेटिव में आंसर आता है उसको बोलते हैं हम कि इसमें क्या किया, इसने गेन किया है। अगर किसी ने मान लो गेन किया होता है तो वो क्या करेगा, एज अ कंपनसेशन वो किसको देगा, यानी कि इसने ज्यादा प्रॉफिट इन फ्यूचर अर्न किया है, आगे इसको क्या मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो अब वो फ्री में उसको देगा नहीं, तो बिजनेस के जितनी भी गुडविल होती है उसका जितना पार्ट इसने लिया है वो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा जिसने, जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि प्रॉफिट का शेयर तो उसी में से जाएगा, उसका शेयर कम हो गया इसका बढ़ गया, तो उसको क्या मिल जाएगा, इतनी ही रेशो का उसको एज अ कंपनसेशन गुडविल का मिलेगा। अब इस टाइम हम देखते हैं कि उसका पार्ट क्या है, गुडविल बिजनेस के अंदर कितनी है। इस क्वेश्चन में बता रखा है कि बिजनेस की जो भी गुडविल है, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 30,000 रुपीज है, और इसने गेन कितना किया है, 30,000 का 1/10% अगर हम निकालेंगे इसमें 3,000 रुपीज, 3,000 रुपीज वो जो वाई है, वाई किसको देगा, एक्स को देगा। अब इसमें हमने अकाउंट्स में ये पहले ही बात आ जाती है, अकाउंट्स में जैसा कि हमें पता ही है कि जिस पार्टनर को कुछ मिलता है उसके अकाउंट को क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है, और जिसके अकाउंट में से कुछ जाता है उसके अकाउंट को क्या कर दिया जाता है, डेबिट कर दिया जाता है उसके कैपिटल अकाउंट को। अब जो है इसमें वाई की कैपिटल, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
और x की कैपिटल अकाउंट, क्योंकि x को मिलेगा उतना ही पैसा, तो उसको क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करने के लिए आगे 2 लगा देते हैं, तो 3000 रुपीज कौन देगा, y देगा, किसको देगा, x को देगा एज अ कंपनसेशन फॉर गुडविल। गुडविल के लिए वो उसको पैसा देगा, यानी कि गुडविल का हिस्सा देगा। अब हम ये देखते हैं कि जिसके अकाउंट को, यानी कि जो पर्सन देखता है कुछ भी, यानी कि जिसका अकाउंट क्या होता है, जिसका अकाउंट, यानी कि जिसके अकाउंट में से कुछ जाता है उसके अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट, और जिसके अकाउंट में कुछ आता है उसको क्या करते हैं, हम क्रेडिट। ये तो था कि एक क्वेश्चन कि कैसे, किस तरीके से हमने अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज की है तो हम पहले सेक्रीफाइस निकालेंगे उसका और फिर गेन निकालेंगे। जिसको सेक्रीफाइस करना पड़ा उसको क्या मिल जाएगा, गुडविल में से, बिजनेस की जितनी भी गुडविल होती है, जितना पार्ट उसने सेक्रीफाइस किया होता है वो उसको एज अ कंपनसेशन उसको मिल जाता है। आगे इसी तरीके से अगर तीन पार्टनर्स भी आ जाते हैं, इसी तरीके से ही काम होता है, तीनों का सेक्रीफाइस वगैरह हम निकाल लेते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी सा मेथड था ये कि कैसे ट्रीट करते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।